फ्लेक्सीड हेयर मार्क्स बहुत इजी होता है घर पे बनाने के लिए, एंड ये हमें स्पा ट्रीटमेंट सैलॉन वाला लुक देता है। अलसी भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं आपके साथ इसके सुपर 5 बेनिफिट्स शेयर कर रही हूँ। पहला है रिच इन विटामिन ई, जो हमारे हेयर के ग्रोथ को अच्छा करता है, स्कैल्प को ऑयली फ्री बनाता है, साथ ही साथ में डैमेज को इम्प्रूव करता है, कम करता है, और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, जिससे हमारा ग्रोथ प्रमोट होता है एंड हेयरफॉल जो है वो कम होता है। सेकेंड वन इज़ रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए एज वेल एज स्किन के लिए, क्योंकि हमारे स्कैल्प को हेयर को ड्राई नहीं होने देता स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, एंड ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। थर्ड वन इज़ रिड्यूस ब्रिटलनेस, मतलब ये ब्रेकेज को कम करता है, इलास्टिसिटी जो हमारे हेयर में होता है उसको इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ में हमारा जो हेयर का क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है, और एज वेल एज स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं लाइक विटामिन ई, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम एंड कॉपर, जो कि हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है एंड हेल्प देम ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर। इज दैट अगर आपको डैंड्रफ इशू है तो आपको इसे एक ट्राई देना चाहिए, बिकॉज ये डैंड्रफ में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है डैंड्रफ को कम करने में, एंड प्लीज़ गिव दिस अ ट्राई, और बहुत इजीली आप इस जेल को बना सकते हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो एवरीवन, आई एम रुचि शुक्ला, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। डीआईवाई हेयर मास्क, और यू कैन से डीआईवाई हेयर जेल्स शेयर करने वाली हूँ। बनाएंगे फ्लेक्सीड्स के साथ, जिसे हम अलसी भी बोलते हैं, दिस इज वेरी इजीली अवेलेबल इन योर नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर में आप जाएंगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। ऑनलाइन भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स नहीं करने हैं कि अलसी कहाँ मिलेगी, कहीं पे भी आपको इजीली मिल सकती है ये चीज़, और बहुत ही इजीली हम इसे बना लेंगे घर पे। एंड इवन ये जेल आप स्टोर भी कर सकते हैं फॉर अराउंड 1 वीक। सो आप इसे एक साथ बना कर स्टोर कर लें, या फिर जब जब आपको इसे यूज़ करना होगा आप उसे घर पे बनाएं और यूज़ करें। एंड यू ऑल कैन सी मैंने कोई स्ट्रेटनिंग नहीं किया बालों में, एंड आफ्टर शैम्पू मैंने कोई कंडीशनर भी नहीं लगाया। सो अगर आपको जानना है मैंने ये कैसे बनाया जेल, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। एंड आई एम सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड नॉइजेज, बिकॉज बारिश भी हो रही है एंड साइड से बहुत व्हीकल्स भी जा रहे हैं, सुनाई दे रहा होगा। सो आई एम सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइजेज। एंड विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम देख लेते हैं कि हमें कैसे बनाना है, और प्लीज़ इसे आप आपके घर पे ज़रूर ट्राई करना। वन मोर थिंग, अगर चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब अब तक नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, ताकि आपको सारी न्यू नोटिफिकेशन मिले ना आप उन्हें मिस ना करें, और साथ ही साथ में लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना अगर आपको ये अच्छा लगेगा, यूज़फुल लगेगा। एंड मेरा एक और यूट्यूब चैनल है गो फूडी, सो अगर आपको न्यू रेसिपीज़ ट्राई करना पसंद है ना, आप फूड लवर है, तो प्लीज़ आप उस चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ है। एंड अगर मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो उसे भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। एंड या अब हम देख लेते हैं वीडियो में मैंने इसे कैसे बनाया ये हेयर जेल बहुत ही ईजिली। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम स्टार्ट दी वीडियो। सो मैं यहाँ पर गैस ऑन कर रही हूँ। पहले हमें पानी ज़्यादा लेना है फ्लेक्सीड्स के अकॉर्डिंग, कि बाल का लेंथ बड़ा है सो आपको ज़्यादा फ्लेक्सीड्स और पानी चाहिए, और अगर छोटा है तो आपको कम यूज़ करना पड़ेगा। सो ये आपके हेयर लेंथ पे डिपेंड करता है। तो मेरा जो हेयर है वो वेस्ट तक आता है। सो हियर मैंने अराउंड आई थिंक 1/2 कप ऑफ वाटर लिया होगा, जिसमें मैं थ्री टेबल स्पून ऑफ मैंने इसमें फ्लेक्सीड्स डाला है, दैट मीन्स अलसी। वी विल मिक्स इट एंड हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे, हमें फुल फ्लेम पे नहीं करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम नेचुरली प्रिपेयर करते हैं तो उसे हमें फुल फ्लेम पे नहीं करना चाहिए। सो मीडियम फ्लेम पे हम इसे बॉईल होने तक का वेट करेंगे। सो एज यू ऑल कैन सी ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया, आपको दिख रहा है इसमें वाइट कलर का एक फोम जैसा दिख रहा है, एंड इसका कंसिस्टेंसी भी स्टिकी सा हो गया है, एंड काफ़ी थिन हो गया पहले से, आई मीन थिक हो गया। गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ। ये कंसिस्टेंसी पे आपको फ्लेम ऑफ कर देना है, एंड ये जब गर्म रहेगा उसी टाइम पे हमें इसे स्ट्रेन कर लेना है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा यू नो प्रॉब्लम हो जाता है इसको बाहर निकालने में। सो मैंने ये जेल सब साइड में निकाल दिया इसका, और अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखने वाली हूँ साइड में, एंड फिर हम बाद में इसका आगे का स्टेप देखेंगे। सो एज यू ऑल कैन सी अभी मेरे हेयर का टेक्सचर आपको कैसा दिख रहा है, एंड फिर बिफोर आफ्टर करने में इजी होगा। सो राइट नाउ बहुत फ्रीजी से डल से हेयर दिख रहे हैं मेरे। सो ये जेल देख सकते हैं आप,
लिटिल स्टिकी, बट ट्रस्ट मी इसका ना कोई भी स्मेल नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें मास्क लगाने के बाद आपको बहुत अजीब सी स्मेल आएगी या कुछ भी ऐसा, तो इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस या कोई स्मेल ही नहीं है, बिकॉज अलसी में कोई टेस्ट भी नहीं होता है। मैं इसमें कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ, आप इसमें आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं अराउंड 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ एंड आप इसमें आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम इसे लगाएंगे। उससे पहले हम अपने बालों को अच्छे से कोम कर लेंगे। तो मैंने अपने बालों को अच्छे से कोम कर लिया। अब मैं इसमें मिडल पार्टीशन कर रही हूँ। आई सिक्योर माई हेयर लाइक दिस। आप रबर बैंड या किसी से भी आप सिक्योर कर ले आपका एक साइड का बाल। तो मैंने इसे अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प से लेके टिप्स तक मैंने अच्छे से इसे अप्लाई कर दिया और अच्छे से हमने कोम भी कर लिया। एंड इससे जो है ना हमारे बालों में नेचुरल से स्ट्रेट की वाइब्स आ जाते हैं। जो हम नॉर्मली स्ट्रेटनिंग से स्ट्रेट करते हैं ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ये हेयर मास्क अप्लाई करोगे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल। एंड सारे हेयर टाइप्स आई थिंक तो सबको सूट करेगा, बिकॉज मेरा तो हेयर टाइप थोड़ा सेंसिटिव है, मुझे अच्छे से सूट किया। एंड इसे मैं इसी तरह से खुले बाल ही रख लूँगी। आप चाहे तो आप बन भी बना सकते हैं, बट खुले बालों में स्ट्रेट वाली फीलिंग जो है स्ट्रेटनिंग। सो मैं इसे ऐसे ही खुले बाल रख रही हूँ, बिकॉज ऐसे खुले बाल रखने से ना स्ट्रेट वाला फिनिशिंग जो रहता है बालों में वो ज़्यादा दिखता है। आप इसे बन भी बना सकते हैं कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज अगर लंबे बाल हैं आपके तो आपको काम वाम अगर करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी। यू कैन मेक अ बन ऑल्सो। एंड आप इसे ऐसे खुला भी रख सकते हैं। अराउंड 45 मिनट्स हमें मिनिमम देना है इस हेयर मास्क को। सो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कुछ, तो प्लीज़ गिव अ ट्राई टू दिस DIY मार्क्स। एंड या अब मैं इसे 45 मिनट्स तक इसी तरह से अपने बालों में रखने वाली हूँ और 45 मिनट्स के बाद मैं अपने बालों को वॉश करूँगी। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइजेज एंड लाइटिंग के लिए भी, बिकॉज अभी बाहर बारिश हो रही है। एंड या सो आई वॉज सेलिंग कि आफ्टर 45 मिनट्स के बाद हम अपने बालों को वॉश करेंगे। नॉर्मल पानी से ही करना है, कोई गर्म या ठंडा पानी नहीं यूज़ करना है, नॉर्मल। और माइल्ड शैम्पू से हम अपने बाल को वॉश कर लेंगे। और हेयर वॉश करने के बाद आप प्लीज़ कंडीशनर मत लगाना, बिकॉज़ ये एज अ कंडीशनर ही काम करता है। सो इसका प्रॉपर रिजल्ट देखने के लिए आप कंडीशनर स्किप कर देना, आई विल सजेस्ट। और कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज इट्स अ नेचुरल कंडीशनर। सो आफ्टर शैम्पू डोंट अप्लाई कंडीशनर। एंड या आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं आपके बालों में, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्मूथ शाइनी आपका बाल हो जाता है। सो वैसे भी मैं आपको 45 मिनट्स के बाद आफ्टर रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। सो आई विल सी यू आफ्टर 45 मिनट्स एंड वॉशिंग माई हेयर। देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्ट्रेट लग रहा है बाल ये मास्क लगाने के बाद, एंड वो भी विदाउट एनी स्ट्रेटनर। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लग रहा है, साथ ही साथ में बाउंस बहुत अच्छा है। वॉल्यूम अगर आपको आपके बालों में चाहिए तो आपको ये हेयर मास्क ज़रूर ट्राई करना चाहिए।
सो जैसा कि रिजल्ट आप सबके सामने है एंड आप सब खुद देख सकते हैं डिफरेंस कितना ज़्यादा है, बाउंस बाल में बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर आप वॉल्यूम लवर है तो आप ज़रूरी से डेफिनेटली ट्राई देना। अगर आपके स्कैल्प जो है, अगर आपका स्कैल्प जो है वो इची है, अगर आपको ज़्यादा डैंड्रफ की भी इश्यूज़ है, तो ये उन सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो अगर आपके स्कैल्प में इचीनेस है तो आपको इसे ज़रूर एक ट्राई देना चाहिए एंड डिफरेंस आप खुद नोटिस कर सकते हैं। एंड आई एम लविंग माई हेयर राइट नाउ और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है बिकॉज दिस इज़ नेचुरल एंड होम रेमेडीज़ बहुत बहुत बेस्ट होती है आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए। सो आई बिलीव यूजिंग दैम इंस्टेंट ऑफ परचेजिंग मोर प्रोडक्ट्स। और अगर मैं कोई शैम्पू ये सब यूज़ भी करती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जो नेचुरल है उन्हें यूज़ करूँ जिनमें मिनरल ऑयल्स ना हो, बिकॉज वो सब हमारे हेयर को बहुत डैमेज करते हैं। एंड अगर आपको हेयर ग्रोथ करना है बालों के लिए तो फ्लैक्सीड इज़ यू नो इट्स अ मिरेकल बिकॉज इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे बालों के लिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके बालों में आपको ऑयली फील ज़्यादा होता है, मतलब अच्छे खासे लेंथ है आपके बालों में, वॉल्यूम यहाँ से जो होता है ना, यहाँ से कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑयली लगता है, तो अगर आपके स्कैल्प जो है वो ऑयली है तो आपको इसे ट्राई करना चाहिए बिकॉज ये वो प्रॉब्लम को भी दूर करता है। वॉल्यूम फैंटेस्टिक रहता है इसमें, एज वेल एज बहुत सारे बेनिफिट्स है हेयर के लिए। नेचुरल होम रेमेडी है, यू शुड गिव अ ट्राई। एंड आपके कमेंट सेशन में बता देना कि आपको कितना बेनिफिट लगा इसका, हेयर मार्क्स का। एंड या इफ अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, गिव इट अ लाइक, ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब। एंड या आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।